गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड फॉरेन लैंड। फॉरेन का मतलब होता है पराया, विदेशी, परदेसी, मतलब जो चीज हमारी अपनी नहीं है उसे हम फॉरेन लैंड बोलते हैं, मतलब विदेशी भूमि। रीड दिस पोयम, इस पोयम को पढ़िए टू नो, जानने के लिए, दैट व्हाट अ लिटिल बॉय सॉ वन डे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ चेरी ट्री, कि उस छोटे से लड़के ने एक दिन चेरी के पेड़ पर चढ़कर क्या क्या देखा। अप इन टू द चेरी ट्री, चेरी के पेड़ पर चढ़कर, हु शुड क्लाइंब बट लिटिल मी, वो क्या कह रहा है कि मैं इतना छोटा हूँ कि मेरे अलावा कोई भी इस चेरी के पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। आई हेल्ड द ट्रंक विद बोथ माई हैंड्स, मैंने पेड़ के ट्रंक को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। आप पिक्चर में देख सकते हैं उसने अपने दोनों हाथों से कैसे ट्रंक को पकड़ा हुआ है। एंड लुक अब्रॉड द फॉरेन लैंड्स, और मैं देख रहा हूँ कि उस अब्रॉड मतलब बहुत ही दूर से जो दिखाई दे रहा है, फार अवे, यहाँ मीनिंग भी दिया हुआ है फार अवे, यानी बहुत दूर जो जमीन, जो भूमि उसे दिखाई दे रही है, वो उस पेड़ पर चढ़कर देख रहा है। आई सॉ द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई, उसके ठीक सामने, उसके आगे मतलब गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन, एड्रॉन विद फ्लावर्स, जो कि फूलों से पूरी तरह से सुसज्जित है, यानी एड्रॉन मतलब डेकोरेटेड है। बिफोर माई आईज, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। एंड मैनी प्लीजेंट प्लेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन, मैंने बहुत से शांत नजारे देखे हैं लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं देखा जितना सुंदर ये दिखाई देता है। आई सॉ द डंपलिंग रिवर पास एंड बी द स्काईज ब्लूस्ट लुकिंग ग्लास, मैं उसके पास में से एक छोटी सी नदी की धारा को भी गुजरते हुए देख सकता हूँ जिसमें आकाश का जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, आकाश की जो परछाई दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल कांच के ग्लास जैसी, कांच जैसी दिखाई दे रही है, मतलब आर पार दिखाई दे रही है, इतना सुंदर दिख रहा है। द डस्टी रोड गो अप एंड डाउन विद पीपल ट्रैम्पिंग इन टू टाउन, तो डस्टी रोड्स, यहाँ पे कच्चे रास्तों को बोला गया है, जो कच्चे रास्ते होते हैं उन पर से लोग गुजर रहे हैं, पगडंडियां बोलते हैं इनको, खेतों में भी आपने पगडंडियां देखी होंगी, ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं मिट्टी के बने हुए, उन रास्तों से लोग गुजर रहे हैं। इफ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री, अगर मुझे कोई इससे भी ऊंचा पेड़ मिल जाए, फर्दर एंड फर्दर आई शुड सी, तो मैं उस पर और ऊपर चढ़ करके देखना चाहूंगा। टू वेयर द ग्रोन ऑफ द रिवर स्लिप इन टू द सी अमंग द शिप, तो मैं देखना चाहूंगा कि ये नदी कहाँ जाकर के गिरती है समुद्र में, क्या वहां जाकर के गिरती है जहां पर जहाज भी होते हैं पानी की। टू वेयर द रोड ऑन द आइदर हैंड, और उसकी दूसरी ही तरफ सड़क भी जा रही है, लीड ऑन टू इनटू द फेरी लैंड, जो कि सीधा परियों के देश निकलती है। वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5, जहां पर बच्चे 5 o'clock जो है अपना डिनर लेते हैं, एंड ऑल द प्ले थिंग्स एंड कम अलाइव, और उनके जितने भी टॉय हैं वो सब अलाइव हैं, यानी जीते जागते हैं। दिस पोएम्स रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन।